Back in 2005 and 6, there was a time when the music industry was ruled by some OGs like Shaan, Sonu Nigam, A.R. Rahman and many more. Public भी romantic, sad और party songs से ज़्यादा prefer किया करती थी. दो Bohemia ने 2002 में देसी hip hop culture को start कर दिया था, but still we Indians were not so exposed to hip hop. इसी बीच पंजाब का एक लड़का जो Trinity Music School से music में degree लेकर India वापस आया था, वो music industry में एक अलग मुकाम हासिल करना चाहता था. He wanted to bring a new style, a new genre of music. एक ऐसा म्यूजिक स्टाइल जो हर इंसान को गाने पर ग्रूव करने को मजबूर कर दे. एंड दैट मैन वाज नन अदर देन मिस्टर हृदेश सिंह, ए के ए आर बिलव्ड योहानी सिंह. आज से ठीक 7 साल पहले 26 अगस्त 2015 को एक एल्बम रिलीज हुई थी जिसके गाने आज भी शादी पार्टी में बजते सुनाई देते हैं. एंड दैट वाज योहानी सिंह देसी कलाकार. पर हनी सिंह की सक्सेस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अट्रैक्ट पीपल ऑफ सच अ बिग कंट्री विद अ न्यू स्टाइल ऑफ म्यूजिक. उन्हें भी काफी म्यूजिक प्रोड्यूसर कंपोजर से बैकलैशेस देखने को मिला, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू रिलीज हिज फर्स्ट एवर हिट ट्रैक खटके ग्लासी इन 2009 अंडर द जी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, खटके ग्लासी हनी सिंह का पहला हिट ट्रैक था, ना कि पहला ट्रैक. खटके ग्लासी से भी पहले 2008 में हनी सिंह ने बिल सिंह के साथ पेशी एल्बम ड्रॉप किया था, पर उस वक्त उन्हें वो नेम और फेम नहीं मिल पाया था. बट खटके ग्लासी की रिलीज के बाद लोगों को भी म्यूजिक का ये जॉनरा पसंद आने लगा और यहीं से पंजाब का हृदेश सिंह बन गया पूरी दुनिया का योहानी सिंह. इसके बाद 2011 में हनी सिंह की एक और एल्बम रिलीज हुई जिसका नाम था इंटरनेशनल विलेजर, और ये एल्बम हनी सिंह के कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस एल्बम के हर गाने भी एक ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट और डोप शोप बिल्कुल फ्रेश साउंड कर रहे थे, कुछ ऐसा जिसको लोगों ने कभी सुना ही ना हो. यू विल बी शॉक्ड टू नो ब्राउन रंग अपने टाइम का मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो सॉन्ग था, एंड इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग टू फीचर अ बुगाटी कार इन इट. लोग पागलों की तरह हनी सिंह के दीवाने बन चुके थे. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं उस वक्त 10-12 साल का था और उस वक्त मैं और मेरे दोस्त अपने नोकिया वाले कीपैड फोन में ब्लूटूथ के थ्रू हनी सिंह के गाने शेयर किया करते थे. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथ इन हनी सिंह लाइफ. उन्होंने इंटरनेशनल विलेजर की सक्सेस के बाद भी काफी हिट सॉन्ग्स ड्रॉप किए, और इसी बीच उन्होंने अपनी खुद की एक रिकॉर्ड लेवल बनाई जिसका नाम था माफिया मुंडीर. पर वो कहते हैं ना, जब कोई कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा हो तो उसे प्यार देने वालों से ज्यादा उसे नीचे खींचने वाले लोग होते हैं. एंड सिमिलर वाज द केस ऑफ हनी सिंह. एक तरफ वो बंदा गानों के साथ साथ फिल्में साइन कर रहा था और दूसरी तरफ उस पर मिसोजिनिस्टिक होने के पुलिस केसेस फाइल हो रहे थे. अकॉर्डिंग टू सम पीपल, हनी सिंह के गाने रेप कल्चर को प्रमोट करते थे, और हद तो तब हो गई जब एक गाना मैं हूं बलात्कारी, जो कि रियलिटी में हनी सिंह का था भी नहीं, उसके लिए भी हनी सिंह को ब्लेम किया जाने लगा. इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हनी सिंह ने काफी इंटरव्यूज दिए और लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि वो और उनके गाने बिल्कुल भी रेप कल्चर को प्रमोट नहीं करते. आर्टिस्ट जो रेप्स को बढ़ावा दे रहा है, कभी भी नहीं जिंदगी में, कभी भी नहीं मैंने ऐसा कोई गाना गाया जो रेप को बढ़ावा देता हो, और कभी भी मैंने वो मैं हूं बलात्कारी गाना कभी नहीं गाया. गाइस, यू नो व्हाट, हनी सिंह नोज हाउ टू मेक अ कमबैक. ही नोज हाउ टू गेट पीपल्स लव एंड सपोर्ट. और इन्हीं सब के जस्ट बाद 2015 में रिलीज हुआ हनी सिंह का थर्ड एल्बम देसी कलाकार. एंड अगेन इस एल्बम के हर गाने चार्टबस्टर साबित हुए. उनके फैन बेस से कुछ लोग जो उनसे नाराज हो गए थे, वो फिर से उन्हें प्यार करने लगे. बट वी फैंस डिडंट नो वन थिंग, हमारा हनी सिंह अगले 2 सालों के लिए गायब होने वाला था. इसी बीच कई लोगों ने अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी. किसी ने बोला वो ड्रग एडिक्ट हो गए, किसी ने बोला उन्होंने गाना गाना ही छोड़ दिया, एंड सम इवन सेड दैट ही इज डेड. और इन्हीं सब के बीच हनी सिंह के माफिया मुंडीर बैंड के दो मेंबर बादशाह और रफ्तार ने उन पर एलिगेशंस लगाए कि हनी सिंह उन लोगों को अपने गानों में क्रेडिट नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से फिर से लोग उन्हें हेट देने लग गए. पर 2018 में 2.5 साल के लंबे गैप के बाद हनी सिंह कैमरा पर सामने आए और सबको बताया दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम बायपोलर डिसऑर्डर. उन्होंने अपने ब्रेक लेने की वजह तो बता दी थी, बट नाउ देयर वाज अ नीड ऑफ अ चार्टबस्टर सॉन्ग जिसे हनी सिंह की खोई हुई नेम और फेम वापस आ जाए. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, हनी सिंह नोज हाउ टू मेक अ कमबैक. सो ही ड्रॉप्ड मखना इन 2018, एंड अगेन दिस सॉन्ग कंपेल्ड द पब्लिक टू ग्रूव ऑन इट. मखना वाज एक्सीलेंट. इसके बाद आया लोका, दैट टू कैन बी कंसिडर्ड गुड. बट 2020 के बाद रिलीज उनके किसी कैक में वो बात नहीं है जो उनके पहले के गानों में हुआ करती थी. स्टिल वी कैन होप कि अपने हनी सिंह का एक ऐसा एल्बम ड्रॉप होगा जिसे हर गाने चार्टबस्टर साबित होंगे. वेल, दैट्स इट फॉर द डे गाइस. दिस वीडियो वाज जस्ट अ ट्रिब्यूट टू हनी सिंह, द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉप कल्चर ऑफ म्यूजिक टू इंडियंस. इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ. तुम लोग मुझे कॉमेंट में बताना क्या तुम अब भी हनी सिंह के गाने सुनते हो या नहीं. सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.